मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले के अंदर बड़ा एक्शन हुआ है। ईओयू का एक्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का, और शुक्रवार को नालंदा में ईओयू ने छापेमारी की कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार जो है वो इस पेपर सेटिंग गैंग का, इस पेपर लीक गैंग का एक एक्टिव सदस्य रहा है, और इसे गिरफ्तार किया गया है। नालंदा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। नालंदा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र, जहां हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई, लेकिन वहां भी ये जो पेपर लीक की कालिक है वो लगी हुई नजर आ रही है। गिरफ्तार आरोपी सेटर गैंग जो है उसका एक्टिव सदस्य है। और अब आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समित, जरा बताइएगा कोलकाता में छात्रों की क्या वही चिंताएं हैं, वहां कितने छात्र कह रहे हैं कि वापस से रीनीट होनी चाहिए। देखिए, मेरे साथ नेहा और रोहित है जो दोनों भाई बहन हैं, और दोनों ही इस बार फिर से एक बार नीट एग्जाम में बैठे थे। अभी जो स्थिति है, अभी क्या करेंगे आप? सर, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तक एनटीए के तरफ से किसी को भी क्लियर नहीं बोला गया कि किसने चिप पेपर लीक हुआ था, या एनटीए किसी को नहीं पकड़ा है सर। इसमें कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही है, खाली सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग्स के डेट आते जा रहे हैं सर। अभी एग्जाम को हुए हुए बहुत दिन हो गया है, अब 2 महीने होते जा रहे हैं, तब भी हम लोग के पास अभी कोई भी एक रिजल्ट नहीं है कि अब क्या होगा नहीं होगा सर। बहुत टेंशन बहुत हो रहा है सर। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी अभी फिर से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज एनटीए ने कुछ घापलती की। एनटीए के वजह से सर आज हम लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छा बहुत मेहनत किया है पूरा सर। मैं खुद सर 4-5 साल से तैयारी कर रही हूँ, इस बार मुझे लगा कि इस बार मेरा हो जाएगा बहुत अच्छा। बिल्कुल समय से गुप्ता, भविष्य को लेकर छात्रों में अनिश्चितता है, छात्रों के बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल है, और एनटीए जिसकी कार्य प्रणाली इस समय सवालों के घेरे में घिरी हुई नजर आ रही है। सरकार ने भी कमेटी बनाई है इसकी जांच करने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खेला कैसे हुआ, किस तरीके से ये खेला रचा गया, क्योंकि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। ये शायद पहली बार होगा कि 67 छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। साथ ही स्कैम 2 क्या है, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। साथ ही गोधरा के अंदर सेंटर में मैनिपुलेशन किया गया, और पटना में पेपर लीक के आरोप लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का। और ये देश का हाल, हमने देश के छात्रों का सैंपल सर्वे आपको दिखाया, जहां हाथ खड़े करके तमाम छात्र कह रहे हैं, उनके सवालों के साथ साथ उन सबका कहना है कि रीनीट होनी चाहिए। पारदर्शिता के नाम के ऊपर जो एजेंसी बनाई गई थी एनटीए, अब वो कर सवालों में घिरी हुई है, तो इस कार्य प्रणाली के अंदर सुधार किए जाने चाहिए, और ऐसी सजा उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, कि इसके बाद इस तरीके की गलती और इस तरीके की करतूत को अंजाम देने का कोई सोच भी ना पाए।